जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुरादाबाद श्रीमती प्रीति जायसवाल की अध्यक्षता में तहसील सदर के मीटिंग हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। आमजन की शिकायतों को सुनकर उनका समय से निस्तारण किए जाने के उद्देश्य को लेकर पूरे प्रदेश में माह के प्रथम और तीसरे मंगलवार को जनता दरबार के रूप में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जनता की शिकायतों को सुनने के उपरांत उनका गुणवत्ता के साथ समाधान किया जा रहा है। इसी उद्देश्य को लेकर मुरादाबाद की सदर तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रीति जायसवाल, एसपी सिटी अमित आनंद, उप जिलाधिकारी सदा प्रेरणा सिंह द्वारा जनता की शिकायतों को सुना गया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से राजस्व विभाग से संबंधित 8 शिकायतों का टीम बनाकर मौके पर निस्तारण करा दिया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में अमित आनंद, पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद प्रेरणा सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट उप जिलाधिकारी सदर प्रियंका जायसवाल, नायब तहसीलदार भोजपुर एवं सर्व संबंधित विभागों के अधिकारी एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। तहसील सदर में अपनी शिकायत को लेकर शिकायत कर रहे ग्रामीण द्वारा इस तरह की शिकायत को बताया गया। दिवस में कत्या हमें 3-4 महीने हो गए, लाइट सही नहीं आ रही है और उन पर भी बात करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती, कह देते हैं आज आएंगे, आज में 3-4 महीने हो गए कोई नहीं आ रहा है। क्या समस्या होती है उससे? फिर कभी तो 3200 आ जाती है, कभी 200 पे, कभी बिल्कुल नहीं आती, तमाम सामान फूक जाते हैं घरों में के जो सामान होते हैं, कोई काम में बत्ती नहीं आ रही खास तरीके से, और ये लोग जाते हैं तो सुनते नहीं, हमें मजबूरी में आना पड़ा। इन्होंने ये कही बोले जब लो एप्लीकेशन नहीं लगाओगे जब लो हम कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं करा। आज कहाँ पहुँचे थे? हम तहसील आए फिर। तो अब क्या मांग रहेगी जिला प्रशासन से आपकी? हमारी यही है कि साहब एक गांव में ढोल एक है, कनेक्शन बहुत है तो बत्ती हमारे नहीं आती, एक ढोल धरा भी है और तो वो चालू नहीं करा, इन्होंने आज तक चालू ही नहीं कराया वो ढोल, बत्ती सही नहीं आ रही है। सबकी मांग यही है गांव वालों की, बत्ती सही आवे।